प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में मैं 2024 एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण हिंदी के कुछ प्रश्नों को दूंगा, जो आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इन प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप क्लास 11 के विद्यार्थी हैं और पश्चिम बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। तो चलिए हम लोग सब प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं आपके, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के उद्देश्य को प्रकट कीजिए। दो नंबर, तमाम दीवाले आदमियों ने खड़ी की है, अगर तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य देखता है। कथन के द्वारा लेखक हमें पाठकों तक क्या संदेश संप्रेषित करना चाहता है। ये सभी जो उत्तर होगा विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न हैं। तीन नंबर प्रश्न, महाजनी सभ्यता निबंध में व्यक्त लेखक के विचारों को संक्षेप में लिखिए। चार नंबर, जीने की कला सबसे पहले एक से दूसरे स्थान पर जाने की कला है, इस कथन के माध्यम से लेखक के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालिए। पाँच नंबर, आज़ादी की नींद एकांकी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। छः नंबर, पठित अंश के आधार पर सूरदास की काव्यगत विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। सात नंबर, जो बीत गई सो बात गई कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। आठ नंबर, नई सभ्यता ने व्यक्ति स्वतंत्र के पंजे नाखून और दांत तोड़ दिए हैं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बहता पानी निर्मला के आधार पर असम की बाढ़ की परिस्थिति के बारे में लिखिए। मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी में निहित व्यंग को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस धन लोभ ने मनुष्य और मित्रता का नाम शेष कर डाला है, किस पाठ से है, यहाँ निबंधकार क्या कहना चाहता है। क्या युवाओं में सचमुच सोशल वैल्यूज की कमी है, पठित पाठ के आधार पर तर्क संगत उत्तर दीजिए। पठित पदों के आधार पर घनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अकाल और उसके बाद कविता का प्रतिपाद लिखिए। 14 नंबर, कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर, यात्रा करने के कई तरीके हैं, यहाँ यात्रा करने के किन तरीकों का वर्णन है। आज़ादी के निंद एकांकी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए, उसमें मनुष्यत्व है, तुम में पशु तत्व भी नहीं, ऐसा कहने के पीछे लेखक का क्या अभिप्राय है। पठित पदों के आधार पर गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। 19 नंबर, कबीर के, ये आपको क्या करना है ना कि टिप्पणी लिखना है। 19 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। किसके किसके ऊपर टिप्पणी लिखना होगा ध्यान दीजिएगा, कबीर, केशव, रामचरित मानस, बिहारी, सतसई, सूरदास, चंद्र बरदाई, जैसी, तुलसीदास, पद्मावत, विद्यापति, और निबंध आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। बस इतना निबंध आप तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर का निबंध आता है आपका, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ग्लोबल वार्मिंग, उबलता पिघलता सच, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, नोटबंदी से लाभ और हानि, बाढ़ एक अभिशाप, 18वें एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन, विद्यार्थियों के कर्तव्य, श्रम की 100 सब मिलत है, बिन श्रम मिले न कहीं, और फुटबॉल मैच। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का आप अपने कॉपी पे लिखकर
इसके उत्तर को खोजने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं इसका उत्तर भी एक एक करके वीडियो में आपके चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन संग संग मिल सके और आप इस चैनल के माध्यम से अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।